आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की खबर। पिरान कलियर के रहमतपुर गांव से है, जहां ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पर गांव की ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट में याचिका डालकर की थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच की कार्यवाही शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस भूमि को कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं, जिससे ग्रामीण को राहत मिल सके, क्योंकि उसमें पूरा गांव का पानी जाता है। ये प्रधान शहीद है ना, ये 30 साल प्रधान रहा और अब कांग्रेस का जिला पंचायत भी रहा। इस पर जो है ना, इसने जो है ना अपने पास जो 203 नंबर है वो खड़े का नंबर है और इसने सारा का सारा दबा लिया। और इस पर जो है ना, इस पर बहुत ग्राम समाज है चकोमा भी और हर जगह इस पर ग्राम समाज है, इसने इतना भ्रष्ट फैला रखा। अच्छा जी, हमने हाई कोर्ट में डाली, फिर वहाँ से हाई कोर्ट ने आदेश किया है और उसकी कार्रवाई चल रही है। खबर कलियर के धनौरी से है, जहां कोरोना से जान गंवाने वाले एक दिव्यांग की पत्नी और बच्चों को भाजपा नेता और ओम बाय ओम ग्रुप के चेयरमैन मुनीष सैनी की तरफ से ओबीसी मोर्चा के भाजपा कोषाध्यक्ष अमित सैनी ने पीड़ित के घर पहुंचकर 21,000 रुपए सहायता राशि का चेक देकर परिवार का हौसला बढ़ाया। तो भाजपा नेता ने सहायता राशि दी है, कलियर से खबर सामने आ रही है। युवक की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार बेसहारा हो गया था और उसे भाजपा नेता द्वारा सहायता राशि दी गई। खबर चंपावत से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं का वाहन पाले की वजह से सुखी ढांग के पास पलट गया, जिसमें दो बच्चे समेत 12 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर लाया गया है, जहां सभी घायलों का डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। जैसे ही इस घटना की जानकारी भाजपा पदाधिकारियों को मिली, उन्होंने फोन करके सभी का हाल जाना। तो विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए एक बस जा रही थी कार्यकर्ताओं की, जिसका जो हादसे का शिकार हो गई। खबर चंपावत से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता जा रहे थे और उनकी गाड़ी पाले की वजह से सूखी ढांग के पास पलट गई, जिसमें 2 बच्चे और 12 लोग शामिल बताए जा रहे हैं और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिसका सभी घायलों को एम्बुलेंस से संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर लाया गया है, घायलों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। जैसे ही इस घटना की जानकारी भाजपा पदाधिकारियों को मिली, उन्होंने फोन करके सभी का हाल जाना। जब विजय संकल्प के लिए हम चंपावत को गाड़ी जा रही थी सुखीडांग से नीचे सिनाली से जस्ट ऊपर, तो एक गाड़ी चंपावत से होते हुए आ रही थी और हमारी गाड़ी जब जा रही थी ऊपर साइड थोड़ा पाला पड़ा हुआ था, पाले में गाड़ी रपट गई थी और जिससे ये हादसा हुआ। और हम लोग 10 लोग थे और 2 बच्चे थे, तो उनको बच्चों को लगा के 12 लोग हुए और उनमें से 3 लोगों को थोड़ा ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसमें रघुवर सिंह जी हैं और कृष्ण सिंह जी हैं और आपके क्या कहते हैं बालम सिंह जी हैं, और लोगों को खरोचे आई हैं। और वो जो 3 लोगों को ज़्यादा चोट आई है वो अभी बेड पर पड़े हैं, उनको उपचार हो रहा है सर। और ज़्यादा घटनाएँ ज़्यादा मतलब खबर बेरीनाग से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर में करीब 1,28,00,000 की लागत से बनने वाले मुख्य भवन और 63,00,000 की लागत से बनने वाले साइंस लैब और आर्ट कक्ष का शिलान्यास गंगोली हाट विधायक मीना गंगोला ने किया। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला ने कहा कि गंगोली हाट विधानसभा को शिक्षा का हब बनाया जा रहा है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। वर्षों पुरानी मांग, 54 वर्षों में आज वो विद्यालय भवन के लिए पैसा मिला है, 2 करोड़ के समथिंग पैसा वहां पे मिला हुआ है, जबकि सड़ी हुई बिल्डिंग है, बच्चे बिल्कुल बारिश होते ही छुट्टी कर दी जाती थी, आज वहां पे काम शुरू है। बहुत खुशी का लहर है अभिभावकों में और जल्दी ही जो भी वहां पे आवश्यकता की सामान की मांग की थी, चाहे कंप्यूटर प्रोजेक्टर फर्नीचर, सब कुछ वहाँ पहुँच चुका है और बच्चों के शिक्षा के लिए।
चमोली में मां नंदा देवी की उत्सव डोली मंदिर गर्भगृह से बाहर आकर अपने मायका सिद्धपीठ कुरूड़ के लिए चलने लगी है। वहीं उनके ननिहाल वालों ने मां नंदा देवी विदा की, जहां एक ओर महिला और पुरुष पर भावुकतावश देवी देवता अवतरित हो रहे थे, तो वहीं नंदा देवी के मायका सिद्धपीठ कुरूड़ से उनको लेने के लिए आए। माता भगवती जगदम्बा नंदा राज राजेश्वरी की जय। आज माँ भगवती अपने ननिहाल से अपने मायके सिद्धपीठ कुरूड़ के लिए प्रस्थान करेंगी और माता भगवती का आशीर्वाद सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। माँ नंदा बधाण की इष्ट कुल देवी हैं और माँ नंदा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। माँ नंदा हमारी ध्यान है और आज माँ भगवती अपने मायके के लिए प्रस्थान करेंगी। सभी भक्त जो लोग हैं वो प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि माँ अब यहाँ 6 महीने बाद फिर आएंगी भादों के महीने, तो इसीलिए सभी के ऊपर माँ भगवती नंदा की कृपा बनी रहे। के बाद मायके कुरूड़ के लिए जा रही है, जिसमें कि उनका प्रथम पड़ाव हमारी ग्राम पंचायत सुनाव मंदा है और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं अपनी माँ कुल देवी को देखते हुए, क्योंकि हर तीसरे साल में देवी का प्रवास आगमन हमारे गांव में होता है और हम समस्त ग्रामवासी माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव में देश विदेश में। वही अब खबर थल से है, जहां पर राजस्व सेवकों के 4 सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से कामकाज ठप हो गया है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों में एकीकरण न करने और समान कार्य के लिए समान वेतन के ठोस पुनर्गठन करने का ज्ञापन तहसीलदार हीरा सिंह रौतेला के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा है। पर्वतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील थल के समस्त राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी ये 4 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक तहसील थल के सभी सदस्य। खबर चंपावत से है, जहां बेथनी जीवनधारा की डायरेक्टर सिस्टर सुकेशनी के नेतृत्व में बेथनी संस्था के संस्थापक आरएफसी मस्करेनस की 61वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए बेथनी जीवनधारा संस्था में क्रिसमस डे मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टिलिया रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करने के साथ की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियां प्रस्तुत की। वहीं उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टिलिया ने दिव्यांग बच्चों और विधवा महिलाओं को कंबल भी बांटे। एक साल विकलांग वृद्धा और जो भी विडो है उनको यहाँ ला करके हम लोग एक साथ क्रिसमस मनाते हैं और इस क्रिसमस में हमारा तनकपुर का एसडीएम हिमांशु सर हमारे यहाँ आए और इस प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया। हम सबको और जितना भी यहाँ उपस्थित थे उनको उन्होंने उत्साहित किया और इसके साथ वो खुशी और पूरे खुले हृदय से हमारे इस सेंटर में जो काम कर रहे हैं उसको एनकरेजमेंट करते हुए उन्होंने सबको ब्लैंकेट। वही अब खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पुलिस को चेकिंग के दौरान उत्तरकाशी से ऋषिकेश जा रही बोलेरो से 2 अभियुक्तों समेत करीब 2 किलो चरस बरामद किया गया है। इसका खुलासा करते हुए पुलिस उपाधीक्षक एसपी बलूनी ने बताया कि बरामद चरस की कीमत 2 लाख से ज्यादा की बताई गई है। हमारे नवनियुक्त एसएसपी महोदय के निर्देशन में टेरी पुलिस लगातार मादक पदार्थ और नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी क्रम में नैनगर पुलिस के द्वारा बेमर के पास आगरा खाल और जाजल के बीच में बेमर पे जो है चेकिंग अभियान चल रहा था, इसी में इनको सामने से एक बोलेरो गाड़ी जो टैक्सी नंबर की थी वो आती हुई दिखाई दी, जिसमें कि दो व्यक्ति बैठे हुए थे। तो इनको इन्होंने रोका तो वो लोग जो है एकदम से गाड़ी को मोड़ने लगे और सकपका गए। तो इनके द्वारा जब गाड़ी को रोका गया और उनको जो है दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो इनके पास से अवैध चरस लगभग 2 किलो जिसकी जो बाजार कीमत है 2,10,000 रुपए है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।